of class 7th. Assalamu alaikum. Hope you all are well in your home and taking care of your health. Dear learners, today our topic is story face showing. पिछले 3-4 रोज से बच्चों हम ये जो स्टोरी है ये पढ़ रहे हैं, आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे. तो आप अपनी बुक्स का पेज नंबर निकालें, पेज नंबर 93 जो है, सॉरी पेज नंबर 94 आज आपने निकालना है, अपनी बुक्स का पेज नंबर 94. तो आज हमने स्टार्ट करना है ये जो लास्ट वाला पैरा है. आई कैन नॉट फास्ट फॉर मेनी डेज, आई फास्ट जस्ट फॉर वन डे. वो लड़का जब रहीम बीबी को पूछ रहा था कि रमजान का महीना आ गया है, क्या आप रोजे रखती हैं, तो उसने कहा कि मैं बहुत सारे दिन रोजे नहीं रखती, आई फास्ट जस्ट फॉर वन डे, मैं सिर्फ एक दिन रोजा रखती हूँ. आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ. ऑन विच डे विल यू फास्ट. अब वो उसको पूछता है कि कौन से दिन आप रोजा रखती हैं. On the day that I do not come to fetch water, you can take it that I am fasting. I shall bring sweets for you on that day to break the fast with. ये बोलती है कि जिस दिन मैं पानी लेने के लिए नहीं आऊंगी तो समझ लेना उस दिन मेरा रोजा है. और ये लड़का बोल रहा है कि उस दिन मैं आपके लिए मिठाई लेकर आऊंगा जिससे आप रोजा खोल सकेंगी. No, it is not proper for you to bring sweets for me. नहीं, आपके लिए मुझे मिठाइयाँ ला कर देना वाजिब नहीं. स्वीट्स विल बी ब्रॉट बाय हिम हु इज सपोज्ड टू ब्रिंग देम. मिठाइयाँ वही लेकर आएगा जिसका उन्हें लाना फर्ज होता है. देन व्हाट शुड आई ब्रिंग दैट विल बी प्रॉपर. तो फिर मैं क्या लाऊं जो आपको मतलब अच्छा लगे. For you, the only proper thing is that masani. When I get it, I will see the Eid moon. तुम्हारे लिए सिर्फ एक वाजिब चीज है मसानी. जब मुझे ये मिल जाएगी तो मैं ईद का चांद देखूंगी. After some 6 months, Rahim Bibi started having fever, which turned into typhoid and then to pneumonia. तकरीबन 6 महीने बाद रहीम बीबी को बुखार आने लगा जो टाइफाइड में और फिर निमोनिया में तब्दील हो गया. मोर कॉम्प्लिकेशन फॉरवर्ड. उसके बाद और भी पेचीदगियां पैदा हो गई. द हकीम गिव अप होप. ए डॉक्टर वाज कॉल्ड बट ही आल्सो हेल्ड आउट नो होप. हकीम ने उम्मीद छोड़ दी. एक डॉक्टर बुलाया गया लेकिन उसने भी कोई उम्मीद ना बनाई. वन मॉर्निंग Shamsu came running to our house and said to me, "Since last night, my aunt has been sinking and telling everybody around to go and call Bhuji. When I said I would go, she said, 'Tell Bhuji that I am going and that she should come to show me his face for the last time.'" तो क्या होता है? एक सुबह शमसु भागता हुआ हमारे घर आया और उसने मुझे कहा, पिछली रात मेरी हाला की हालत बिगड़ती जा रही है और आसपास सभी ये कह रहे हैं कि बूजी को बुला कर लाओ. जब मैंने कहा मैं चला जाता हूँ तो उसने कहा, बूजी से जाकर कहो कि अब मैं जा रही हूँ और ये कि वो मेरे पास आए और आखिरी वक्त पर मुझे अपना चेहरा दिखाए. आई अंडरस्टूड द सिचुएशन एंड सेट आउट इमीडिएटली विद शम्बू. मैं सूरत हाल को समझ गया और फौरन शमसु के साथ चल पड़ा. रहीम बीबी वॉज लाइंग स्ट्रेट ऑन हर बैक ऑन द कॉट एंड हर फेस वॉज अनकवर्ड. रहीम बीबी चारपाई के ऊपर अपनी पीठ के बल सीधी पड़ी हुई थी और उसका चेहरा बिना ढके हुए था. ए फेयर फेस ऑन द फेयर फ्रेम, ब्लैक आईज एंड पर्पल स्पॉट स्प्रेड्स ऑन द चीक्स विद रिमाइंडेड मी of a Greek statue. तो गोरे कमजोर बदन के ऊपर एक गोरा चेहरा, गालों पर बैगनी दबे, जिन्होंने मुझे एक यूनानी मूर्ति की याद दिला दी. Slowly she turned her gaze towards me and said in a very low voice, "Bhuji, I have removed my veil today to get masani." आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी नजर मेरी तरफ घुमाई और धीमी आवाज में कहा कि बूजी, आज मैंने मसानी के लिए अपना घूंघट हटा दिया है. यू मे सी माई फेस नाउ. अब आप मेरा चेहरा देख सकते हैं. हो माई लाइफ वॉज स्टक इन माई आईज जस्ट टू सी योर फेस.
मेरी जान, सिर्फ आपका चेहरा देखने के लिए मेरी आंखों में अटकी हुई थी. यू मस्ट कम अलॉन्ग अप टू द ग्रो यार्ड एंड प्लेस ए हैंडफुल ऑफ सॉइल ऑन माई फेस एज योर मसानी. आपको कब्रिस्तान तक आना होगा और मसानी के तौर पर मुट्ठी भर मिट्टी मेरे चेहरे पर रखनी होगी. अदरवाइज आई विल कैरी माई क्रैविंग फॉर योर मसानी विद मी टू माई ग्रो. नहीं तो आपकी मसानी हासिल करने की ख्वाहिश को मैं अपने साथ अपनी कब्र तक ले जाऊंगी. ठीक है, तो ये थी कहानी बच्चों, फेस शोइंग. तो जो आज जिसको हमने कंप्लीट किया, हम 4-5-6 रोज से हम ये पढ़ रहे हैं, तो आज हमने इसे कंप्लीट किया. तो कल इंशाल्लाह इसी कहानी के हम टेक्स्टुअल क्वेश्चन करेंगे. तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए